हाँ, हम जानते थे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन आपने जानबूझकर हमारा फोन गिराकर तोड़ दिया। शक तो हमें उसी दिन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर हमने आपको नकली कयामत से फोन पर बात करते हुए सुना। इस 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। मतलब आप जानती थी कि हम आपका प्लान कयामत को बताने वाले हैं? हाँ, हम आपका प्लान अच्छे से जानते थे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप कयामत की तरफ कभी भी नहीं थी। और इसी वजह से हमारे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उस दिन DSP सर को हमारी मदद के लिए फोन करके आप ही ने भेजा था। लेकिन एक बात समझ लीजिए करिश्मा सिंह, आपका एक अच्छा काम कर देने से आपकी सारी गलतियां माफ नहीं हो जाती। कानून की नजर में आप अब भी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल हैं। हम जानते हैं मैडम सर, और सच कह रहे हैं, हमें दिल से पछतावा है इस बात के लिए। बहुत शर्मिंदा हैं हम खुद से, अपनी वर्दी से और आपसे। बस एक लास्ट चांस आपको मिल जाए ना मैडम सर, एक लास्ट चांस, ताकि हम उस नकली कयामत को अपना भौकाल दिखा सके। बस उसके बाद कानून हमें जो सजा देगी ना मैडम सर, हम खुशी खुशी सहलेंगे। बस एक लास्ट चांस हमें दे दीजिए, ताकि हम उसको दिखा सके कि हम क्या चीज है। हम समझ रहे हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और वादा करते हैं कि आगे से ये बात हम ध्यान रखेंगे। पर अभी फिलहाल हमारे विचार से हमें ये जानना जरूरी है कि वो नकली कयामत कौन है और वो कहाँ होगी इस वक्त। अभी इसकी क्या जरूरत नहीं, हम जानते हैं। क्या अब जानती है नकली कयामत? आप जानती है नकली कयामत कौन है? हाँ, कौन है मैडम सर? मतलब हमें भी जानना है कि कौन है वो जो हमें इतना तंग कर रही है, हम सबको इतना तंग कर रही है। ये वही है जिसने कुछ महीनों पहले एक पुलिस ऑफिसर यानी हमारा रूप लिया था, और आज एक क्रिमिनल कयामत का रूप लिया है। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। रानी की मैया का सास। सॉरी मैडम सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो रानी है? आपको कब पता चला, कहाँ ढूंढा आपने? होली के दिन जब वो हमारी रिंग लेकर वहां से भागी थी, तब हमने उस पर गोली चलाई थी। उसके ब्लड सैंपल को फिर हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया, तब हमें पता चला कि वो रानी है और कुछ ही महीनों पहले जेल से भागी। इस रानी का तो हम ऐसा मसाला कूटेंगे ना मैडम सर, अब देखिएगा। क्या करेंगे आप जानती भी हैं कि वो कहाँ छुप कर बैठी है? नहीं, पर क्या आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? बढ़िया, फिर तो बहुत मजा आएगा, उसको दिखाएंगे हम अपना भौकाल। चलिए मैडम सर, हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। साथ तो ले जाना होगा मैडम सर, आप एक अपराधी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती, अभी आपका मजबूरी हो गया मैडम सर। ठीक है, लेकिन आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। वादा है कि हम कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं करेंगे, और ये पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले मैडम सर, चले। तो कितनी कीमत है इस खजाने की? कितने हजार करोड़ देने वाले हैं आप हमें? 1,000। एक हजार करोड़? हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। एक मिनट। हाँ मैडम, एक गोली और खा लीजिए, क्योंकि जोर का झटका आपको धीरे से लगने वाला है। क्या मतलब? मेरा मतलब है 1,000 रुपये 500 के सिर्फ 2 नोट। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सही है, उतने का ही है नकली खजाना। नकली खजाना? हाँ जी, ये सब नकली है, 1,000 रुपए दे रहा हूँ, बहुत समझिए। क्या बकवास है ये? एंटीक ट्रेजर है ये, पुश्तैनी हवेली से निकला है, सरकार ने भी करोड़ों में आकी है इसकी कीमत। मेरा गला दबाने से नकली खजाना असली नहीं हो जाएगा मैडम।
ये सब नकली है। छोटे मोटे कलाकार नाटक मंचन करते हैं इसे पहनकर। मुझे लगता है किसी ने आपको बड़े वाला बेवकूफ बनाया है। करिश्मा सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने नहीं, हमने। चलिए आइए 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 आइए। लो जी आ गए हम पुलिस थाने में। जैन मैडम, बात करनी। ये शिवानी है। देखिए हम कह रहे हैं कि ये निधि है। ये कह रही है कि ये शिवानी है और ये कह रही है कि ये निधि है। तो मैडम सर आप समझ लीजिए। कहना क्या है मैडम, मैं शिवानी ही हूँ। अरे हम कह रही है कि ये निधि है, निधि है तो निधि है। तो कर लो कर लो। नहीं तुम ही बात कर लो ना, जब हम बात कर रहे हैं तो काय लबर लबर कर रहे हैं बीच में आप। एक मिनट, शांत शांत हो जाइए। चलिए केबिन में बैठ कर बात करते हैं। आइए। सो मिस्टर अमित, आपके पास कोई सबूत है कि ये शिवानी नहीं है, निधि है? जी हाँ बिल्कुल है। ये देखिए, ये आप हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं कभी कानपुर गई नहीं। मैं निधि नहीं हूँ, मैं शिवानी हूँ मैडम, शिवानी वर्मा। साबित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हूँ मैडम। ये देखिए मैडम, मेरा आईडी कार्ड। संतोष वेरीफाई करो। मैडम सर ये सही कह रही है, ये शिवानी वर्मा ही है। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मोहतरमा, एक आईडी तो इनकी हमारे पास भी है, अभी आपको दिखाते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि ये निधि है। ये देखिए। स्ट्रेंज मैडम सर, ये भी जेन्युइन है क्या? एक ही इंसान के दो दो आईडी कैसे हो सकते हैं? मैडम अलग अलग इंसान की अलग अलग आईडी, पर इत्तेफाक से दोनों की शक्लें सेम है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं निधि विधि नहीं हूँ, मैं शिवानी वर्मा हूँ। मैं ऐसा गैर कानूनी काम क्यों करूंगी मैडम, जबकि मैं खुद पुलिस ज्वाइन करने वाली हूँ। मैडम मैंने तो खुद कांस्टेबल रैंक का राइटिंग एग्जाम क्लियर किया है कुछ दिन पहले। अरे वाह, ये देखिए मेरा ऑनलाइन रिजल्ट। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है मैडम। देखिए देखिए प्लीज, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज रिलैक्स। संतोष पानी। उफ, ये मासूमियत। ए पग, एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि कोई लड़की इस तरह के प्रोफेशन को चूज कर रही है। ये इस बात को प्रूफ करता है कि जमाना, वक्त, दुनिया सब कुछ बदल रहा है। लड़कियां भी अपनी कैपेबिलिटी पहचान कर महिला फोर्स ज्वाइन कर रही है और इस फोर्स को और ज्यादा मजबूत और काबिल बना रही है। गुड, थैंक यू मैडम। सो मिस्टर अमित, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लड़की ने आपकी ज्वेलरी शॉप से चोरी की हो उनकी शक्ल इनसे मिलती हो। हो सकता है कि ये सच में शिवानी हो, निधि ना हो। ये सही है, पुलिस की एक परीक्षा क्या पास कर ली इन्होंने, इनके तो सारे पाप ही धुल गए। वैसे भी महिला थाना है, महिलाओं की सुनी जाएगी यहाँ। हम तो ठहरे जटेंस। का जनेट्स? मर्द, मर्दों की कहाँ सुनी जाएगी यहाँ। अम्मा चुप, कब से बकैती किए जा रहे हो तुम? मैडम सर ने अपना एक संभावना व्यक्त किया है, तुम का ये जनेट्स और महिलाओं को बीच में घुसा रहे हो। आवाज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा, आवाज निकला ना तो फिर ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई आवाज निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसाना देखा, समझ गए? करिश्मा सिंह प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर अमित देखिए, हम पूरा इंसाफ करेंगे, किसी के साथ भी हम गलत नहीं होने देंगे, ठीक है? अब निश्चिंत होकर घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए अब आप इतना जोर देकर कह रही हैं तो फिर हम चले जाते हैं, कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, मिलते हैं निधि। हाँ कटो कटो। तो शिवानी, राइटिंग एग्जाम्स तो तुमने सारे क्लियर कर दिए, आई एम श्योर फिजिकल टेस्ट की तैयारी चल रही है।
हम बस इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में अगर थोड़ी सी मदद चाहिए हो तो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा तुम्हारी मदद करेंगी। अपने सारे एग्जाम्स इन्होंने फर्स्ट रैंक से पास किए थे। आई एम श्योर इनसे अच्छा गाइडेंस तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम। कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम? कल सुबह 7 बजे से। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं कई सालों से ये सपना देख रही थी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, ये वर्दी पहनने का, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जरूर पूरा होगा। देखो बड़ी बात पहुंचना नहीं निकल पड़ना है, और वो हिम्मत तो तुम दिखा चुकी हो। अब निकल पड़ी हो तो तुम पहुंच भी जाओगे, बस चंद कदम और। थोड़ी देर संतू के साथ बैठो, कुछ सीखो, कुछ समझो। चाय पियोगी तुम? हम चाय मंगाते तुम्हारे लिए। जी आइए। बैठी बैठी बैठी। जैन प्लीज। क्षमा चाहते हैं हसीना जी, आने में थोड़ा विलंब हुआ। दरअसल पहली मीटिंग ने काफी समय ले लिया। सीधा बिंदु पर आते हैं। बिंदु? डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आपके थाने में एक नया केस आया है, कानपुर के किसी ज्वेलर अमित कुमार का केस। जी। अमित कुमार आईजी साहब के जान पहचान वाले हैं। आईजी साहब के व्यक्तिगत अनुरोध से हमें भी इस केस में व्यक्तिगत रुचि लेनी पड़ रही है। और हमने ये भी सुना है कि आपने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को उस लड़की के पास भेजकर विवाह प्रस्ताव रखने का आइडिया दिया है, ये जानने के लिए कि वो लड़की शिवानी है या निधि। हसीना जी, क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है? सर, लेकिन आप ये देखिए हसीना जी, जब उस लड़की को ये पता चलेगा कि आपने अपने फायदे के लिए, भले ही अपने फर्ज के लिए क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल किया है, उसे धोखा दिया है, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? इतना बड़ा आघात पहुंचेगा उसके हृदय को, ये कभी सोचा है आपने? करना पड़ता है सर, ड्यूटी के लिए किसी का दिल तोड़ना पड़ता है, उसे धोखा देना पड़ता है, उसे जिंदगी भर का दर्द देना पड़ता है, लेकिन क्या करें सर, फर्ज है, करना पड़ता है। आप ही से तो सीखा है सर। एक और बात हसीना जी, आज सुबह से लगातार थाने से हमें मिस कॉल्स आ रहे हैं। वापस फोन करने पे हमें उत्तर मिला कि कोई नहीं जानता कि ये कौन कर रहा है। क्या आप इस विषय में कुछ जानती हैं? अब नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई थाने से आपको मिस कॉल क्यों देगा? हमें भी समझ नहीं आ रहा है हसीना जी कि ये कौन और क्यों कर रहा है। ठीक है सर, हम इस बारे में पता लगाते हैं। धन्यवाद। और कुछ? जी नहीं। जय हिंद। जय हिंद। ए, क्या चल रहा है भाई? बदनाम, एक बढ़िया सी चाय पिलाओ। क्या हुआ? चीता सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आपको पता ही नहीं है क्या? बिल्लू भाई, आज की ताजा खबर। पुष्पा जी, चीता गया है शिवानी के माँ से मिलने, चाय पे बुलाया है, शादी का ख्याल आया है। आज की ताजी खबर समाप्त। चीते, क्या हुआ? और ये बीन लेकर क्यों घूम रहे हो? कहीं सांप पकड़ने का पार्ट टाइम जॉब तो नहीं ढूंढ लिया? मैं पुष्पा जी, मैं गया था उस शिवानी के घर पे उसकी माई से मिलने। वो आगे पीछे कुछ नहीं पूछी, हाथ में ही बीन थमा दी, बोलती खाओ पियो बजाओ ऐश करो, रिश्ता पक्का हो गया। कॉन्ग्रेट चीते। का कॉन्ग्रेट? संतु जी मुबारक हो। परेशान मत करो चीते को, मगर ये शगुन के तौर पे बीन कौन देता है भाई? का पकड़ बिलोटे पकड़। यही सवाल पुष्पा जी हमने उसके माई से किए, तो कहती क्या है कि हमारा परंपरा है, हमारे पूर्वज ना सपेरे थे, हमारे खानदान में अजगर पैदा हुआ था, इसीलिए हम लोग शगुन के तौर पर बीन देते हैं। बताइए चीते, टेंशन क्या ले रहा है? केस सॉल्व हो चुका है, पता चल गया कि वो निधि नहीं है, तू फोन करके सच बता दे। नहीं 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 क्या नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं फोन मत करो। अरे तुम ऐसे सीधा उसको बोल दोगे ना तो उसको लगेगा कि पुलिस वालों ने उसकी भावनाओं के साथ खेला, झूठ बोला उससे। नहीं नहीं ऐसे फोन मत करो, और वैसे भी लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस की छवि क्या रह जाएगी लोगों के मन में। और कुछ हो ना हो हमारी नौकरी पक्का चली जाएगी, मत बोलो। पुष्पा जी किस स्पीड से वो चीते के पीछे पड़ी है शादी करने के लिए, शाम तक दोनों मंडप में मिलेंगे। चीते तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ चीते, तू फोन कर। हाँ तो हम भी तो उसके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं कि मत करो चीते, फोन मत करो बिल्कुल। चीते तुझे शादी करनी है क्या, फोन कर। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, हमें ज्यादा तजुर्बा है, हम बड़े हैं उम्र में। हाँ तो हम कह रहे हैं तुमको मत करो फोन, ये कुछ भी बकवास मॉडर्न सी आइडिया दे रही है, मत करो, इसकी बात मत सुनो। नहीं नहीं इनकी उम्र हो गई है जैसे ये कह रही है। चीते सुन, ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आइडियाज दे रही है, मैं तुझे कह रही हूँ तू फोन कर। अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो गया तो क्या हुआ, अरे हमें भी तो कोई तजुर्बा है ना, अनुभव है हमारे पास। पुष्पा जी आपके आइडियाज पुराने, चीते तू फोन करना। अरे ये बकवास आइडिया बोल रही है चीते, मत करो। बकवास क्या, हम कह रहे हैं ना हम बड़े हैं उम्र में, हम तुमको सलाह दे रहे हैं मत करो फोन, बातें और बिगड़ जाएगी देख। एक मिनट का बवंडर है, का घुड़दौड़ कर दिए आप लोग यार, का कर दिए आप लोग। नहीं आराम से इत्मीनान से सोच कर समझ कर सूझबूझ से कुछ एक डिसीजन लीजिए, फिर बोले ना हम वही करेंगे ना, मतलब यहाँ पर हमारे जान पर बना है और आप लोग यहाँ पर बतकही कर रहे हैं आप लोग। करिश्मा सिंह, हमने आपको पता लगाने के लिए कहा था कि वो कौन है जो जबरदस्ती डीएसपी सर को यहाँ थाने से मिस कॉल दे रहा है, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता लगाएंगे कौन टोपा इंसान है जो इतना फालतू टाइम है मिस कॉल मारने का। फिलहाल हमको लगता है मैडम सर शिवानी का केस जो है वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि केस है दो हमशक्ल बहनों का। अमित को लगता है कि जो शिवानी है वो निधि है, जबकि निधि मर चुकी है, तो केस काफी क्लियर है, कुछ खींचने का मतलब नहीं है केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, झूठ का लिबास कितना ही शानदार क्यों ना हो, सच के आईने के सामने आके उसकी असलियत खुल ही जाती है। हमें नहीं लगता कि ये केस खत्म हुआ है, हमें लगता है कि ये केस अब ठीक से शुरू होगा। ये तस्वीर वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो टुकड़े बाकी हैं। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। आइए, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शिवानी निधि से 4 साल छोटी है। का? Exactly. ऐसी कौन सी हमशक्ल बहनें होती है जिनके बीच 4 साल का एज डिफरेंस हो? कुछ तो है इस केस के बारे में जो हमें अब तक पता नहीं चला है। हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं इस तरफ से। सॉरी मैडम सर, आप बताइए अब आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम हमेशा करते हैं, सच का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने लाना। हम पता लगाएंगे कि इस समंदर में कितने राज छुपे हैं। हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुने। यहाँ पे कोई टोपा इंसान है जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो डीएसपी सर को बार बार लगातार यहाँ से मिस्ड कॉल मार रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कौन वो टोपा इंसान है जो हमारे थाने का प्रॉपर्टी का मिसयूज कर कर अपना टाइम पास कर रहा है, कौन है वो टोपा इंसान? सॉरी मैं, अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ किसी दम डीएसपी सर से पंगा लूं, और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है। इधर इधर इन दोनों में से होगा, इनके पास बहुत फालतू टाइम है। बिल्ले कुछ पांगी नहीं, जो कोई भी है हमारे सामने अपने आप आ जाए, क्योंकि है कि हम अगर खोज के निकालेंगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बता रहे। आपस में सुलटा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आ जाइए, हम नहीं बताएंगे मैडम सर को। का पुष्पा जी? हाँ का क्या? नहीं एक जगह खड़ी रह सकती है ना, बरसाती मेंढक की तरह काय रेंग रही हैं आप, यहाँ खड़ी रहिए ना आप। कैसे आ गए यहाँ? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। हमें लगता है कि ये शिवानी है जो निधि बनने का नाटक कर रही है, वो असलियत में निधि ही है और खामखा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये हमशक्ल वाली फिल्मों जैसे ड्रामे करके वो हमें बरगला लेगी, लेकिन हमें सच तक पहुंचना होगा, और ये काम करिश्मा सिंह आप करेंगी और आपके साथ साथ चीता आपकी मदद करेगा। वो इसलिए कि एक मिनट, चीता चतुर्वेदी है कहाँ? मैडम सर आ गए, मैडम सर आ गया। थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। नहीं मैडम सर, कल तक हम ठीक हो गए थे। कल
कल तक ठीक हो गए थे मैडम सर, नहाते समय हम भूल गए कि हमारा हाथ टूटा हुआ, इसी हाथ का सहारा लेकर उठे फिर गिर गए, फिर से ऐसा हो गया पैर हमारा मैडम सर। लेकिन मैडम सर हम और करिश्मा मैडम क्या कुछ हम कह रहे थे कि तुम इसलिए मदद करोगे क्योंकि शिवानी के घर वालों को तुम पसंद हो, उसे तुम पसंद हो, तुम्हारी शादी की बातें चल रही है तो फिर। थी मैडम सर, बात चल रही थी। क्या? हाँ। क्यों? पता है कोई फोन करके शिवानी के माई को हमारे बारे में इतना खराब बोला है ना, क्या बताएं, इतना ज्यादा खराब कि अब तो उसके घर वाले अपने रिश्तेदार में हमारा फोटो दिखाकर सबको डरा रहे हैं। और इस हादसे के बाद से शादी तो दूर का बात है मैडम सर, वो लोग तो हमारा शकल भी देखना नहीं चाहता है, क्या बताएं। अच्छा क्या कहा किसी ने? कहा है कि हम यानी कि चीता चतुर्वेदी हम कमीना है, लालची है, लीचड़ है, गधा है, फालतू है, थर्ड क्लास है, वाहियात है, चीप है, हमारे पर थू है। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ तुम शिवानी के केस के लिए ये सब कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ हम थाने के लोगों को पता थी, तो फिर ये काम करेगा कौन? एनीवेज हम इस बात का तो पता लगा ही लेंगे। करिश्मा सिंह आपकी बहन कब तक आ रही है? बहन? 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 हाँ बहन, बस एक आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। कुंवारी आएगी? करिश्मा सिंह मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी एक दो घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा, इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हम शक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। हम शक्ल? मैडम सर, मैडम मैडम मैडम, हम काहे रेंग रहे हो, जब नहीं चला जा रहा है तो खड़े रहो एक जगह ना। मैडम हम शक्ल बहन के बारे में पूछने के लिए चले आए। हम शक्ल बहन जो। आइए मैडम जी, आइए मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए 5 लाख कैश है और 20 लाख की ज्वेलरी है। देखिए मैम, हमने तो अपना वादा पूरा किया। तछूर, अभी आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कल्लन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा, यही दो चीजें बची हैं दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप उसी पे डाउट कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए आप, ये आपकी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्या बात कर रहे हैं? गोमती नगर स्टेशन में तुम कल ज्वाइन कर सकती हो बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट नियुक्ति, समझी? मम्मा, ये तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जॉइनिंग लेटर है। मैडम थैंक यू सो मच। हम चलते हैं। मैडम सो मच। मैडम ले जाइए जी। मैडम थैंक यू। टचोड़ शांति से बताइए क्या। मैडम आपके थाने के जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें, पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम हम तो बर्बाद हो गए, करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। टचूड़ इसमें का टचूड़? नहीं चीते, वो इनका फ्लो में निकल जाता है, नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही हैं? और वो कह रही है कि फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि ऐसा है, करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? Are you sure? हाँ मैडम हाँ, उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना, दिखाना लेटर। हाँ ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है, और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई, कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब मैं वहां गई तो, अरे बताना, जब मैं जॉइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं नहीं ये गलत है, हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है।
हम शकल बहन? हाँ हम शकल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में। और वो ऐसा ही करती है, आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।